नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट 5-10 दिन पहले का एक व्लॉग देखा होगा मेरा, उसमें मैंने एक नया फास्टैग ये लिया था। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में, अभी तक इसकी ये जो पीछे की 3M टेप है, ये भी अभी इसकी नई निकली हुई है। तो इसकी जो जानकारी है वो मैंने उसी ब्लॉग में दे दी थी, कितने का पड़ा था, क्या पड़ा था। भाई, 500 रुपये का ये पड़ा था और उसमें 200 रुपये का बैलेंस, 200 रुपये डिपॉजिट और उनका 100 रुपये सर्विस चार्ज जो था वो लगा था। और ये है अपना IDFC फर्स्ट बैंक, इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फास्टैग था। बाकी प्रॉब्लम ये है, आप देख सकते हैं मेरा जो पुराना वाला फास्टैग था वो यहाँ पे पहले से लगा हुआ था और ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, इस कारण मुझे निकालना पड़ा। तो सिंपली मैंने सोचा यार ये निकल जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब निकाला तो ऊपर ऊपर का जो इसका था ये प्लास्टिक की कवरिंग वो निकल गई, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन है ये ऐसे नहीं निकल गया, नहीं निकल पा रहा है। तो इसको मैंने कई बार ऐसे निकालने की कोशिश करी, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे रह जाता है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये 10-15 दिन छोड़ने के बाद ये थोड़ा इजीली इसकी पन्नी वाला पोर्शन तो निकल रहा है, देख सकते हैं। तुरंत अगर आप इसे निकालने जाएंगे ना गाइस, तो ये नहीं निकलेगा, इस पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए आप इसे निकाल के इसे छोड़ देंगे ना, तो ये इजीली निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये नहीं निकल रहा है अभी। अब ये कैसे निकलेगा वो आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए भैया कैमरा पकड़ना, इसको मैं जितना हाथ से निकल पाएगा इसको निकाल लेता हूँ। मेरी सलाह ये रहेगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि भैया पेट्रोल से निकालो, स्पिरिट से निकालो, ये वो, लेकिन सबसे बेस्ट थिंग इज़ ये कि कांच पे कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अप्लाई करने से पहले 10-15 दिन के लिए छोड़ दो यार। क्या है कि देखो, इधर देखो, आप ये जो फास्ट टैग है इसे मतलब यहाँ नहीं भी लगाओगे, जब आप टोल क्रॉस करोगे ना तो नॉर्मली इसे कुछ इस तरीके से, जैसे जब आप हाथ से चिपका दोगे, यहाँ दिखा, ऐसे यहाँ से चिपका दोगे ना, तब भी ये जो अपना टोल है वो फेच कर लेगा और आपका जो टोल है वो कट जाएगा। लेकिन आप इसके चक्कर में अपना कांच मत बिगाड़ना, थोड़े दिन रुक जाना, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है? तो जब आप थोड़े दिन रुक जाएंगे तो ये पन्नी है इसकी अपने आप पीली हो जाएगी। और ये देखिए इजीली है अभी निकल रही है। अब बचा इसका ये मेन वाला पोर्शन, ठीक है? ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये वाला, ये भाई ये काफी जिद्दी चीज है और ये इतना इजीली नहीं निकल रहा नाखून से। ये थोड़े थोड़े दाग भाई यहाँ पे छोड़ रहा है। अब इसके लिए, अब इसको मतलब मेरे को भी नहीं पता, आपके सामने जो सारी चीजें मैं ट्राई करके देख ले रहा हूँ कि ये काहे से निकलेगा। आपने देखा होगा कि टैटू अपन कैसे चिपकाते हैं, निकालना भी रहता है तो टेप उसके ऊपर चिपका के ऐसे खींच लेते हैं, तो वो वाली मेथड में यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास टेप है, कार्डबोर्ड टेप, और इससे हम कोशिश करेंगे कि चिल्लाया क्या, टूट गया ऐसे। तो इसके ऊपर ऐसे चिपका देते हैं, देखते हैं ये निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या है कि हमने कांच लगा रखे हैं बाहर से, तो धुंध इकट्ठी हो रही है कांच पर। वैसे अच्छी तरीके से एक बार चिपका देता हूँ मैं, और इसे लगभग 5-10 सेकंड के लिए छोड़ेंगे और इसे एकदम से अपन खींच लेंगे, तो मे भी शायद ये निकल जाए। अगर ये थोड़ा बहुत भी निकलेगा तो मैं समझूंगा कि ये इससे निकल जाएगा। और अब मैं इसे खींच लेता हूँ, ये देखिएगा इस टेप पूरा खाली हो गया, ये नहीं निकल रहा है ऐसे। तो गाइस, ये टेप वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये तो काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों देखिए, अभी मेरे पास क्या है, सेकंड मेथड यूज़ करने के लिए सामान है थोड़ा सा। ये जो कपड़ा है ये मेरी एक पुरानी टी शर्ट का कपड़ा है,
इसका जो पीछे वाला भाग है थोड़ा खुरदुरा सा है, रफ सा है क्या, तो ये मे बी निकालने के लिए इजी रहेगा। और ये है भाई मेरे पास सिंपली सैनिटाइजर, जिसमें कि 99% कितने परसेंट अल्कोहल रहता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है, और हो सकता है ये इसे थोड़ा सा निकालने में मेरी हेल्प करे। तो मैं इस पर डालता हूँ, कहीं से मैंने सुना था कि भाई सैनिटाइजर ट्राई करना से निकल जाएगा, तो ये सैनिटाइजर मैंने कपड़े पे डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा घिसता हूँ, ये काफ़ी रफ है जैसा कि आप इसके टेक्सचर की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। भैया ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब मेरे पास एक लास्ट तरीका और है, वो आप देख के जाओ, अगर वो काम कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसे खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। तो ये है भाई मेरे पास बॉटल, पेट्रोल निकाल के लाते हैं गाड़ी का। सो आई थिंक इतना पेट्रोल सफिशियंट होगा एक कपड़े पे यूज़ करने के लिए। सबसे पहले बंद कर लेते, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, इसकी नली को प्रॉपरली इसकी जगह पर लगा देते। और देखिए ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ है भैया, इसे प्रॉपरली यूज़ करना होगा। मैं अगेन इसे कपड़े पर ही लगाऊंगा, वही रफ सरफेस पर। और ये मैंने पेट्रोल लगा लिया इसको पकड़ने के लिए। ओके, तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा इसका फंडा समझ में आ रहा है, और वो ये कि भैया ये इजीली पेट्रोल से भी नहीं निकलेगा, इसके लिए इसको खुरच के आपको थोड़ा सा निकालना ही पड़ेगा उंगलियों से, नाखूनों से, और उसके बाद जो हल्का सा ग्लू उसमें चिपक जाएगा, जो बचेगा वो ज़रूर पेट्रोल से साफ हो रहा है। तो अब भैया देखना बच्चे कुछ नाखून भी मत तोड़ लेना। हट, देखिए मैं आप लोग की काफ़ी सारी मेहनत बचा रहा हूँ। आप इतने सारे तरीके ट्राई करते फिर वो सक्सेस नहीं रहते, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब। ओके, सबसे पहले तो आपको इसे उंगलियों से ही निकालना होगा। प्रियंका ट्राई करेगी इसको निकालने का, उसके नाखून ज़्यादा बड़े हैं। कड़के भी नहीं खींच पा रहे यार। ओके, तो दोस्तों अब हमने इसे काफी हद तक निकाल दिया है, लेकिन केवल निकालना इज नॉट सफिशिएंट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊं, आप यहां पे फोकस करेंगे, ये
तो ये जो ग्लू टाइप का है, ये देखिए, ये जो ग्लू टाइप का है ये चिपका हुआ, और ये बहुत गंदा लगता है, और इसके कारण जो आपका नया फास्टैग है भाई वो अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो इसे पेट्रोल इजीली निकाल देगा। पकड़ना ज़रा अब इस पर, ये देखिए, ये देखिए पेट्रोल से कितनी इजीली एक ग्लू जो है ये यहाँ पर साफ हो रहा है, ये देखिए। ये फास्टैग की जो भी पूरी जगह थी वहाँ पर, पुराने फास्टैग का जितना भी जो ग्लू होगा जो भी लगा होगा आपकी गाड़ी में, वो इजीली पेट्रोल से साफ हो जाएगा। लेकिन पूरी पन्नी अगर आप उसकी हेल्प से गलाना चाहें या निकालना चाहें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो भाई, फास्टैग गड़बड़ हो गया हो, चेंज करना हो, तो यही एक मेथड होती है जिससे आप पुराना फास्टैग निकाल सकते हैं एंड नया फास्टैग लगा सकते हैं। ये अब काफ़ी हद तक साफ हो गया है, देखिए थोड़ा सा पेट्रोल यूज़ किया इतना बचा है, इसको मैं वापस बाइक में डालूंगा बिकॉज इट्स प्रीशियस। 110 रुपये लीटर चल रहा है भैया भोपाल में, और यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से एक बार इस जगह को साफ कर लेंगे, और यहाँ पर अब मैं अपना नया वाला फास्टैग चिपका देता हूँ। कहाँ रखा हुआ ये रहा मेरा नया वाला फास्टैग, और इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से खोलना होता है, और इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, ये देखो केकड़े टाइप का डिज़ाइन है इसका। इसको निकालने में फिर नाखूनों की बैंड बजेगी, लेकिन आई होप कि इसको अब कभी ज़िंदगी में निकालना ना पड़े। और इसे यहीं पर वापस से प्लेस कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, चलो तो ये अपना काम हो गया भैया। ये थी एक वीडियो मेरी तरफ से कि आप कैसे अपना पुराना फास्टैग निकाल करके एक नया फास्टैग लगा सकते हैं। जिन्होंने इतना सारा जो सारा वो परपंच है वो नहीं देखा, उनके लिए एक समराइज कर देता हूँ वीडियो कि सबसे पहले आप ऊपर वाली पन्नी निकाल देंगे वो अपने फास्टैग की पुराने वाले की, और उसके नीचे जो पन्नी होगी उसे आप निकालने की कोशिश करेंगे, इजीली नहीं निकलेगी, उसे 5-10 दिन के लिए छोड़ देना तो इजीली वो कांच को छोड़ देगी जैसे जैसे उसके अंदर एयर जाएगी। एंड देन उसके बाद जो बीच वाला सेंसर वाला जो पोर्शन आता है, जो थोड़ी सी एल्यूमिनियम फॉइल टाइप का कुछ रहता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस मटेरियल एग्जैक्टली, एंड उसमें आप क्या करेंगे कि उसको मतलब नाखून से आपको खुरचना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है उसमें स्प्रिट पेट्रोल दुनियादारी कुछ भी मत लगाना, नाखून से उसको खुरच लेना। एंड देन उसके बाद वहाँ पर जो ग्लू बचेगा उसको आप पेट्रोल से साफ कर देना, वो एकदम क्लीन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद यू कैन अप्लाई योर न्यू फास्टैग। तो ये थी भाई पूरी कहानी, उम्मीद है वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड पसंद तो आया ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।